एमेन। बाइबल ऐसा कहता है, बाइबल ऐसा कहता है, मती का किताब पढ़ा हमने 24:37-39, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। 36 में पढ़ रहा हूँ एक्चुअली, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र परंतु केवल पिता। मेरी ओर ध्यान दीजिए सभी लोग, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया। तो अगर आपको समझना है किस घड़ी में और किस समय में आप जी रहे हैं, आपको नूह के दिनों के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। नूह के दिनों में क्या हुआ वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिस दिनों में रह रहे हैं वो नूह के दिनों के जैसे है। हालेलुया। तो अगर ये समय और एक ये सीजन हमें समझना है तो नूह के दिनों को हमें समझना होगा। कितने लोग समझ रहे हैं? क्योंकि बाइबल कहता है कि जैसे मनुष्य के पुत्र के दिनों में, हालेलुया, हमारे दिन ये मनुष्य के पुत्र का आने के दिन है। हालेलुया, आमेन। ये अंत का समय है। वो कैसे अंत का समय है वो एक्सप्लेन पर अभी अभी के लिए इतना ही विश्वास करें इस बात पे और उस बात को समझे कि ये अंत का समय है। हम लोग अंतिम समय में जी रहे हैं और परमेश्वर का आना करीब है। तो ये सीजन, ये समय जो है नूह के दिनों के जैसे है, ये यीशु कहता है। और फिर 38 वर्स लिखता है, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। हालेलुया। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के भी दिन हो गए। हालेलुया, आमेन। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है? हालेलुया। जब तक नूह जहाज के अंदर नहीं गया तब तक जल प्रलय नहीं आया। ध्यान से सुने, क्या आप मेरे साथ है? जब तक नूह जहाज के अंदर नहीं गया तब तक बाढ़ नहीं आई, जल प्रलय नहीं आया। जब ही नूह जहाज के अंदर गया, उसका परिवार जहाज के अंदर गया, वो चुने हुए जानवर जहाज के अंदर गए, जहाज का दरवाजा बंद हुआ, उसके बाद क्या आया? जल प्रलय आया। ओके, हालेलुया। ध्यान से सुने, नूह का बनाया हुआ जहाज अंतिम समय के कलीसिया को दर्शाता है। हालेलुया। ओ रबाया मानतो रब, इस जगह पे आग आने वाली है। नूह सखाया मानतो, नूह का बनाया हुआ जहाज अंतिम समय के कलीसिया को दर्शाती है। हालेलुया। तो आप और मैं और सभी लोग चुने गए उस अंतिम समय के कलीसिया को, जहाज को बनाने के लिए। हालेलुया, ध्यान से सुने। हालेलुया, ये अंतिम समय की कलीसिया कोई जगह पे नहीं है, ये कालेर में नहीं है, ये कशिली कोई जगह पे नहीं है, ये एक ग्लोबल परमेश्वर का कलीसिया है, जहाज है। हालेलुया, आमेन। और दुनिया के कोने कोने से, हालेलुया, नूह चुने गए हैं। अभी नूह कौन है मैं बताता हूं, कौन चुने गए हैं? अंतिम समय के नूह चुने गए हैं इस जहाज को बनाने के लिए। हालेलुया, मैं नूह हूं, आप नूह है। हालेलुया, चुने गए हैं इस जहाज को बनाने के लिए। हालेलुया, ओके। जब तक नूह अंदर नहीं गया, क्योंकि जिस जहाज को हम लोग बना रहे हैं वही जहाज हमको जल प्रलय से बचाने वाला है। ये जो वचन कहता है, लोगों ने क्या किया, लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया जहाज को बनाने में। हाँ, लोग शादी करते थे, क्या लिखा है, शादी में देते थे, खाते पीते थे, हालेलुया, खरीदते थे, बेचते थे, सब कुछ करते थे, पर जहाज बनाने में उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि वो लोग, दुनिया के लोग जो नूह के मंडली में नहीं थे, हालेलुया, और जहाज में अंदर जाने वाले जाने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने दुनिया को अपना जहाज बनाया। उनको लगा इस दुनिया में जहां पर मैं रह रहा हूं यहां पर ही रह के मैं मजा कर सकता हूं, मुझे कोई जहाज की जरूरत नहीं है, मुझे कोई परमेश्वर की जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत। पैसा मुझे मजा दे रहा है, हालेलुया, ये पाप जो मैं कर रहा हूं मुझे मजा दे रहा है, हालेलुया। तो लोगों ने दुनिया को अपना घर बनाया और दुनिया के चीजों को अपना भरोसा बनाया। हालेलुया, ध्यान से सुने, मेरी बातों का बुरा मत माने पर वो रेवलेशन को समझे। जब भी मैं आपको बोलता हूं दुनिया के चीजों से अटैच मत रहो, उसके पीछे एक प्रकाशन है। पर्सनली मेरे को आपसे कुछ नहीं है, उसके पीछे एक प्रकाशन है। क्या आप लोग समझ रहे? हालेलुया, दुनिया को, लोगों ने दुनिया को अपना घर बनाया नूह के दिनों में और दुनिया के चीजों को अपना भरोसा बनाया।
कि ये बंगला जो मैंने खड़ा किया है, ये बंगला में मैं जिंदगी भर यहां पर मजा करूंगा। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे, ये बैंक अकाउंट में जो पैसा है, ये जेवर जो मेरे पास है, ये अलग अलग जगह पे मेरे पास जो घर है, हालेलुया, उसका मतलब ये मैं दुनिया पे हमेशा के लिए अच्छा रहूंगा, राज करूंगा। हालेलुया, जो लोग आने वाले समय में, जो लोगों ने दुनिया को अपना घर बनाया है और दुनिया के चीजों को अपना भरोसा बनाया है, वो लोग जल प्रलय में नष्ट होने जा रहे हैं। हालेलुया, क्या यहां तक आप मेरे साथ है? हालेलुया, मैंने जस्ट शुरुआत किया है, आगे और हमें जाना बाकी है। कितने लोग समझ रहे? तो कितने लोग समझ रहे, नूह के दिन जैसे थे आज के भी दिन होंगे। जो लोग उस जहाज को बना रहे हैं, वो लोगों को बेवकूफों में गिना जाता है आज। अरे प्रार्थना करती है तू, क्या प्रार्थना करती है इतना दिन भर आप? हालेलुया, आमेन। ध्यान से सुने, कई सारे विश्वासी मेरे पास आते हैं, ब्रदर काय झाला माहिती आहे का, आम्ही प्रार्थना करत आहोत, आम्ही मीटिंग मध्ये जाते, परंतु माझा जे पड़ोसी है ना, क्या बोलते पड़ोसी का, शेजारी आहे ना, शेजारी प्रार्थना करत नाही, मूर्ति पूजा करते, दारू पीते आणि ते प्रॉपर्टी वर प्रॉपर्टी ते विकत घेते। मां मी प्रार्थना करते, मारा मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है। हालेलुया, शेजारी के जीवन में सब कुछ हो रहा है, मैं प्रार्थना करते जा रहे हो। आपको नहीं पता वो शेजारी दुनिया के चीजों को इकट्ठा कर रहा है, पर आप जहाज को बना रहा है। जिसकी आया बांधो बोलो, ओ हालेलुया, जिसको प्रूव आने वाला समय करेगा। हालेलुया, आपका शेजारी जिससे जिसको आपको लगता आप परमेश्वर पे डाउट कर रहे हैं, अरे मैंने इतना प्रार्थना किया, मेरे पास इसके पास तो पैसा है, जेवर है, सब कुछ मिल रहा है उसको, मेरे साथ आप जहाज को बना रहे। हालेलुया, जिसके अंदर आप हमेशा के लिए रहोगे, वो जल प्रलय उनको नष्ट कर देगा, उनके पैसों को नष्ट कर देगा, पर आप जिसको बना रहे हो उसको कुछ भी नहीं नष्ट कर सकता। परमेश्वर का एंड टाइम चर्च, हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे बुलाया उसका एंड टाइम ग्लोबल चर्च को बनाने के लिए। हालेलुया, आमेन, जिसमें हालेलुया दुनिया के राज्य के लोग, क्योंकि उस दिन स्वर्ग में आप देखोगे, हालेलुया, जब इस स्वर्ग के अंदर आप जाओगे आप देखोगे एवरी ट्राइब एवरी टंग एवरी नेशन वर्शिपिंग गॉड, हर एक भाषा के लोग, हर एक राज्य से, हर एक प्रांत से, हर एक जाति के लोग। हालेलुया, अंतिम कलीसिया, अंतिम कलीसिया। तो जो सेवक बोल रहे हैं नहीं मेरे को ये मेरा मिनिस्ट्री, उन लोग आने वाले सीजन से डिटैच्ड है। हालेलुया, वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम है अंतिम समय के जहाज को बनाना। हालेलुया, हालेलुया, लोगों को तैयार करना। हालेलुया, लोगों को बोलना ये जहाज बनाओ, और जब ये जहाज पूरा होगा उसके अंदर आना, दुनिया में मत रहना। नूह का प्रचार ये है। हालेलुया, मैं जो जहाज बना रहा हूं उसके अंदर आना है तुम्हें, और उस मेरे जहाज बनाने में मदद करो। हालेलुया, नहीं नहीं नहीं, मुझे काम है, मैं मदद नहीं करूंगा। ब्रदर आओ प्रार्थना करो, अरे मेरे कुछ नहीं हो रहा है। हालेलुया, दुनिया को आपने घर बनाया है, दुनिया के चीजों पे आपने भरोसा रखा है। हालेलुया, बाइबल ऐसा कहता है पहला योहन्ना में दूसरा अध्याय, हालेलुया, जब भी आप 17 वचन पढ़ते हैं वहां पे ऐसा लिखा है कि द लस्ट ऑफ द फ्लैश, हालेलुया, द प्राइड ऑफ लाइफ, और क्या, द लस्ट ऑफ द आईज। हालेलुया, मतलब दुनिया के लालसाएं और दुनिया के बातें और दुनिया के चीजों पे घमंड, सभी चीजें नष्ट हो रहे हैं, सभी चीजें बीत जाएंगी, पर परमेश्वर का इच्छा जो लोग करेंगे वो लोग हमेशा जीवित रहेंगे। तो आप दुनिया में धन इकट्ठा करना चाहते हैं कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करना चाहते हैं? मैं स्वर्ग में धन इकट्ठा करना चाहता हूं। हालेलुया, मुझे अभी कोई बिजनेस नहीं चाहिए, जॉब चाहिए जहां पर मैं बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकूं। हालेलुया, मैं स्वर्ग में धन, हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करें। हालेलुया, ओके, दूसरा पत्रस वचन खोले, दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय, तीसरे वचन से लेकर तीसरा चौथा और पांचवा वचन पढ़े। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से ही हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश उंगता नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा
पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। हालेलुया। कुछ लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं बाइबल, इसके लिए बाइबल स्टडी करें। हालेलुया। जल्दी कुछ दिन बाद आप जल्दी बाइबल के वर्स निकालने में आपको सहायता होगी। तीसरा वचन पास्टर ने पढ़ा, यहाँ पे लिखा है तीसरा वचन में, दूसरा पत्रस का दूसरा अध्याय तीसरा वचन में लिखा है, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। किसके बारे में लिख रहा है पत्रस? पत्रस झूठे प्रचारकों के बारे में लिख रहा है। हालेलुया। क्या लिख रहा है? वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपना लाभ का कारण बनाएंगे। ध्यान से सुने। हालेलुया। मसीह के राज्य में ऐसे प्रचारक, ऐसे प्रभु के सेवक निकले जो आपके पास आएंगे। बाइबल ऐसा कहता है, आपके पास आकर आपका उद्धार नहीं चाहेंगे उन लोग। हालेलुया। आपका लाभ नहीं चाहेंगे कि आपका छुटकारा हो जाए, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएंगे, परंतु लोभ के कारण वो आपके पास आएंगे आपका यूज करने के लिए। यहां पर वो लिखा है, आपके द्वारा अपना लाभ लेने के लिए। या तो उनका नजर आपके पैसों पे होगा, या तो उनका नजर आपके जीवन पे होगा कि कैसे मैं इस व्यक्ति को यूज कर सकूं अपने मतलब के लिए। कितने लोग हैं साथ में? ध्यान से सुने। हालेलुया। तो वो क्या लिखा है, वे लाभ के लिए बातें गढ़कर प्रभु का वचन लेके आएंगे। हालेलुया। बातें बनाकर आएंगे, बातें गढ़कर आएंगे, तुम्हें अपना लाभ का कारण बनाएंगे। पत्रस कह रहा है और कलीसिया को और परमेश्वर के लोगों को, हालेलुया, अलग अलग प्रांतों में ये लेटर लिख रहा है और बोल रहे हैं ऐसे प्रचारक आएंगे यीशु का नाम लेके, बाइबल लेके, पर उनके दिल में ये होगा कि आपको अपना लाभ का कारण उन लोग बनाएंगे। उनका नजर आपके पैसे पे होगा या आपके जीवन पे होगा या आपके अच्छे बातों को कि कैसे आपको चूस ले और अपने लाभ के लिए, हालेलुया, उपयोग करे। पर असली परमेश्वर का सेवक वो होता है जो आपके पास आए आपको परमेश्वर के पास लेके जाने के लिए, ताकि आपका उद्धार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे प्रचारक जो लोगों को अपने पास खींचेंगे। हालेलुया। अंतिम समय में बहुत सारे लोग आएंगे और बोलेंगे मैं मसीह हूं। मत्ती का किताब उसका 24 अध्याय, वहां पे मत जाए, मेरी बात सुने। हालेलुया। अंतिम समय में ऐसे बहुत प्रचारक आएंगे, बोलेंगे मैं मसीह हूं। उसका मतलब डायरेक्टली नहीं बोलेंगे मैं मसीह हूं, आपके जीवन में अपने आप को उन लोग मसीह बनाएंगे ताकि आप उनके पास आते रहे। हालेलुया। समझ रहे आप लोग? आप उनके पास आते रहे, आपको आपको आपके जीवन में वो आदमी मसीह बन जाएगा। आपको प्रॉब्लम है, हो उनके पास जाएंगे, प्रॉफिट के पास जाएंगे, अपोस्टल के पास जाएंगे, पास्टर के पास जाएंगे। तो क्या उसका मतलब क्या है? वो लोगों को अपने साथ अटैच करेगा, वो महायाजक के राज्य से अलग होकर अपना इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बनाएगा। कितने लोग थे मेरे महायाजक के प्रचार में? कितने लोगों ने सुना? हालेलुया। उसमें मैंने बोला कि ये हमारा, मेरा सेवकाई, हमारा सेवकाई जो है, ये कलीसिया जो है, जितना भी कुछ है, हालेलुया, ये सभी चीजें महायाजक के राज्य के ब्रांच है, उसके कवरिंग में हम लोग। महायाजक कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। तो आप जब भी दशमांश देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, वो महायाजक के सेवकाई में जाता है। वो मेरा अनॉइंटिंग में नहीं जाता है, मैं बड़ा प्रचारक होकर के, नहीं नहीं नहीं, महायाजक के सेवकाई में वो जाता है। हालेलुया। पर आप ऐसे ऐसे लोगों को देखेंगे, उन लोग बोलेंगे मेरे अनॉइंटिंग में दो। हालेलुया। वो लोग कौन है? वो लोगों ने यीशु का जगा लिया है। आमेन। ध्यान से सुने, मेरे साथ रहे, नूह के दिनों में हम लोग हैं। तो ऐसे लोग जो है, पत्रस उनके बारे में कह रहा है, जो लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और लोगों के द्वारा अपना लाभ उठा, लोगों को खींचकर अपना लाभ और अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे। हालेलुया। तो हर एक, ध्यान से सुने, विश्वासी लोग, हर एक कोई आता है, उसके उसके इंटेंशन को आपको जांचना जरूरी है। हालेलुया। जाके उसको जज मत करे, पर मैं बोल रहा हूं कि हर एक आत्मा को जांच करे। हालेलुया। क्या ये व्यक्ति मुझे प्रभु के पास लेके जा रहा है? इसके बातें और इसका प्रचार वचन के साथ अलाइन हो रहा है? पवित्र आत्मा इससे बात कर रहा है कि ये अपने बातों के द्वारा मुझे अपने पास खींच रहा है और मुझे उसके ऊपर निर्भर होने बोल रहा है? मेरे साथ रहे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? तीसरा वचन यही कहता है। और फिर क्या कहता है पत्रस? लिखता है, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से ही हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उंगता नहीं। क्या लिखा है? ध्यान से सुनो, ये वचन, वचन के, ये नूह के दिनों से कैसे रिलेट होता है। पत्रस ऐसा कहता है, दंड की आज्ञा स्पिरिट रेलम से, आत्मा के स्तर से परमेश्वर ने दे दिया है उन पे, और परमेश्वर यीशु के आने से पहले, मतलब अंतिम समय में,
ऐसे प्रचारकों पे, ऐसे सेवकाओं सेवकाइयों पे दंड की आज्ञा आएगी। हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा था कि अंतिम समय में झूठे कलीसियाएं, झूठे सेवकाई और झूठे प्रचारक, हालेलुया, जो यीशु को के लिए कार्य नहीं करते, वो बंद हो गए। हालेलुया, वो खत्म हो गए। कितने लोग समझ रहे? पत्रस यहां पर कहता है अंतिम समय में ऐसे। अभी मैं आपको बताऊंगा उसका रेवलेशन, क्यों दंड आएगा अंतिम समय में। हालेलुया, क्योंकि जो जहाज या जो कलीसिया अंतिम समय के लिए परमेश्वर बना रहा है, परमेश्वर उस कलीसिया को शुद्ध और बिना किसी ब्लेमिश के रखना चाहता है। पर जो अंतिम कलीसिया बन रही है, जो जहाज बना रहा है नू, हालेलुया, या जो जहाज परमेश्वर अंतिम समय के लिए बना रहा है, जिसमें उसकी दुल्हन आएगी, जिसमें हालेलुया कलीसिया रहेंगे और बचाए जाएंगे, वो जहाज जो है, अभी ये जहाज में परमेश्वर कोई भी अशुद्धता नहीं रख सकता। हालेलुया, इसके लिए ये कलीसिया बनाने के लिए अशुद्धता, हालेलुया, और अपवित्र चीजों को, अपवित्र सेवकाइयों को वो खत्म करेगा, ताकि वो एक शुद्ध कलीसिया बना सके, ताकि वो एक निष्कलंक जहाज बना सके। क्या आप लोग समझ रहे? आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। सिस्टर आप रोइए मत, हालेलुया, ध्यान दीजिए, अच्छा हुआ आप रोना बंद किए, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, कितने लोग हैं मेरे साथ अब तक? हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? अंतिम समय से पहले झूठे चीजें बंद हो गए, जो कलीसिया, जो जहाज मैं बना रहा हूं, उसे शुद्ध रखना जरूरी है, उसे निष्कलंक रखना जरूरी है। हालेलुया, निष्कलंक रखने के लिए हमें क्या करना है, आगे देखेंगे। हालेलुया, चौथा वचन, चौथा वचन लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा। अभी आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, बहुत सारे टेक्निकल बातों में हम लोग जाएंगे। स्वर्गदूतों को दंड दिया परमेश्वर ने, किसको? स्वर्गदूतों ने क्या किया? पाप किया, मनुष्य ने, स्वर्गदूतों ने पाप किया। अभी अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा स्वर्गदूत है जिसने पाप किया, आप बोलोगे लूसीफर, वो लूसीफर नहीं है। हालेलुया, लूसीफर का पाप इससे पहले, ये दूसरे स्वर्गदूत है जिन्होंने पाप किया था। ध्यान से सुने, मेरे साथ रहे। हालेलुया, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। कुछ स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया, परमेश्वर ने उठा के नरक के ये चेन्स में, जंजीरों में उनको बांध दिया, वो लोग नरक में है, पत्रस ऐसा कहता है। हालेलुया, पांचवा वचन क्या कहता है, और प्राचीन युग के संसार की को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नू समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। ये स्वर्गदूत जिन्होंने पाप किया, ये नू के समय के स्वर्गदूतों के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है, जो नू के समय में था। मेरे साथ रहे, ध्यान से सुने। हालेलुया, और फिर प्राचीन युग में संसार में जब ही भक्तिहीन संसार बन चुका था। हालेलुया, ये नूह का समय है, नूह के दिन आ गए। पत्रस अभी नूह का दिन का रेवलेशन दे रहा है इस वचन में। भक्तिहीन लोगों पे महाजल प्रलय लाया, परंतु नूह जो 8 लोगों में से एक था, उसका पूरा परिवार को जब भी गिनते हैं, वो 8 लोग होते हैं, उसका पूरा परिवार और नूह को बचाया गया। और नूह कौन था वहां पर, जहाज बनाने वाला? नहीं, नूह वॉज द प्रीचर ऑफ राइचियसनेस, नूह धर्म का प्रचारक था। ध्यान से सुने, जहाज क्या है? अंतिम समय की कलीसिया है। अंतिम समय का प्रचारक धर्म का प्रचारक है, राइचियसनेस का प्रचारक है। हालेलुया, अगर अंतिम समय के प्रचार में हम लोग परमेश्वर के लोगों को, हालेलुया, परमेश्वर के धार्मिकता को ग्रहण करने नहीं बोलते, तो हम लोग अंतिम समय का प्रचार नहीं कर रहे, क्योंकि अंतिम समय का प्रचारक धर्म का प्रचारक है। धर्म मतलब रिलीजन नहीं, धर्म का मतलब है राइचियसनेस। तो हिंदी में धर्म रिलीजन ट्रांसलेट नहीं होता, ये याद रखना, राइचियसनेस। हालेलुया, नू जो है अंतिम समय के प्रचारक को दर्शाता है। हालेलुया, अभी जब आप उत्पत्ति का किताब, हम लोग अभी वहां पर जाएंगे, वहां पे मेन मुद्दा है, उत्पत्ति का किताब हम लोग पढ़ते, वहां पर कहीं भी नहीं लिखा है नू प्रचार करता था। पत्रस ने प्रकाशन के द्वारा बोला कि नू धर्म का प्रचारक था, मतलब जहाज बनाने के साथ साथ वो लोगों को बोलता था दुनिया की बातें छोड़ो और परमेश्वर जो बोल रहा है वो करो, वो प्रचार करता था। यहां पर पत्रस वो रेवलेशन दे रहा है हमको। हालेलुया, तो अंतिम समय का प्रचारक कौन है? नू अंतिम समय के प्रचारक को दर्शाता है, जो राइचियसनेस का, आई विल यूज द वर्ड राइचियसनेस, धर्म में नहीं यूज करूंगा। हालेलुया, जो राइचियसनेस का प्रचारक है। हालेलुया,
धार्मिकता का प्रचारक है, राइचियसनेस का प्रचारक है, अंतिम समय का प्रचारक। हालेलुया, आमेन। ध्यान से सुने, और नू की सेवकाई अंतिम समय की सेवकाई है। हालेलुया, नू जो जहाज बना रहा था, प्रचार कर रहा था राइचियसनेस का, वो लोगों को बोल रहा था ये सभी चीजें खत्म होने जा रही है, तुम परमेश्वर जो बोल रहा है वो करो, परमेश्वर के जहाज में आओ, परमेश्वर के जहाज को बनाओ। हालेलुया, और वो सेवकाई जो है, और उसके साथ साथ वो जहाज को भी बना रहा था। हालेलुया, वो सेवकाई अंतिम समय की सेवकाई है। ओ हालेलुया, आमेन। अभी हम लोग पीछे जाते हैं, चौथावे कौन सा वचन था वो, चौथा वचन जहां पे लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया, ये स्वर्गदूत कौन है उसे समझने के लिए उत्पत्ति का किताब उसका छठवां अध्याय खोले। उत्पत्ति का किताब छठवां अध्याय पहला वचन मैं पढ़ता हूं यहां पर। उत्पत्ति का किताब छठवां अध्याय। हालेलुया, मुझे पता है जब भी भारी चीजें आते हैं लोग इधर उधर घूमने लगते हैं। ध्यान से सुने, यहां पर सीक्रेट छुपा हुआ है। हालेलुया, यहां पर सीक्रेट छुपा हुआ है, इसके लिए वचन को ध्यान से सुने। उत्पत्ति का किताब छठवां अध्याय पहला वचन लिखा है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई। सभी लोग बोले मनुष्य भूमि पर बढ़ने लगे, वापस से बोले मनुष्य भूमि पर बढ़ने लगे। उसका मतलब जब दुनिया का पॉपुलेशन बढ़ने लगा, हालेलुया, क्या हुआ, दुनिया का पॉपुलेशन बढ़ने लगा और मनुष्य के बेटियां, सुंदर सुंदर लड़कियां, हालेलुया, मनुष्य जन्म देने लगे। हालेलुया, बेटियां जन्म देंगे तो ऑब्वियसली आगे भी पीढ़ी और बढ़ेगा। ध्यान से सुने, हालेलुया, थैंक यू। तो ध्यान से सुने, तो शैतान, हालेलुया, पूरे अपने हथियारों को लेके आता है जब भी वो देखता है दुनिया का पॉपुलेशन एक सीमा से बढ़ रहा है। हालेलुया, क्या आपको पता है ये आने वाली बीमारी शैतान लेके आया क्योंकि उसका एक लिमिट था, दुनिया का पॉपुलेशन इतना होना चाहिए। ध्यान से सुने, और दुनिया का पॉपुलेशन उससे बढ़ने लगा, तभी शैतान ये सब षड्यंत्र, इसके लिए अंतिम समय है। हालेलुया, भूमि के ऊपर जब ही लोग बढ़ने लगे, पॉपुलेशन बढ़ने लगा और बेटियां उत्पन्न होने लगे, क्या हुआ, तब परमेश्वर के पुत्रों ने, परमेश्वर के पुत्र कौन है, परमेश्वर के बेटे नहीं है वो लोग, परमेश्वर के पुत्रों मतलब फॉलन एंजल्स, जो स्वर्गदूत लूसिफर के साथ नीचे गिरे पाप करके, उसके साथ संगति करके। हालेलुया, जो स्वर्गदूत स्वर्ग में थे परमेश्वर के साथ, लूसिफर ने पाप किया, उसके साथ लोग मिल गए और सभी को नीचे गिराया गया, वो परमेश्वर के पुत्र उनको दर्शाता है, गिरे हुए स्वर्गदूत। हालेलुया, जब पॉपुलेशन बढ़ने लगा, फॉरेन एंजल्स आए कुछ तो चालू करने के लिए, क्या करने के लिए देखेंगे हम लोग। हालेलुया, आमेन। ये कोरोना वायरस जो है, ये नूह के समय से आप स्टडी कर सकते हैं, ध्यान से सुने अभी। हालेलुया, और यहां पर जो है, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनके उनसे विवाह कर लिया। हालेलुया, तब यहोवा ने कहा, मेरी आत्मा मनुष्य से सदा सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है और उसकी आयु 120 वर्ष ही होगी की होगी। हालेलुया, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल में प्रचलित थी। हालेलुया, पांचवा वचन कहता है, इसके बाद यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई होता है। हालेलुया, ध्यान से सुने, क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ा, कौन आया, गिरे हुए स्वर्गदूत आए, क्या करने के लिए, मनुष्य के बेटियों से शादी करने के लिए। हालेलुया, क्या आपको पता है स्वर्गदूत आदमी बनके आपके पास आ सकते हैं, आपके घर में बैठ सकते हैं और खा पी सकते हैं। अब्राहम के पास तीन स्वर्गदूत आए, व्हेन ही वाज वो टेरिबिंथ के पेड़ के वहां पर जब वो था, तीन स्वर्गदूत आए। हालेलुया, क्या आदमी बनकर उसके साथ खाया पिया। हालेलुया, तो स्वर्गदूत जो है, ध्यान से सुने, स्वर्गदूत जो है, जो अभी हम इंसान है,
और स्वर्गदूत है, हम दोनों अलग अलग प्रकार के जीव है। हम पृथ्वी पे पैदा हुए, स्वर्गदूत स्वर्ग में पैदा होते हैं, परमेश्वर ने उनको रचाया, पैदा किया स्वर्ग में। ब्रदर, ओ ब्रदर, सो रहे हो आप? हालेलुया, कोई बात नहीं, हालेलुया, ध्यान दीजिए कुछ समय के लिए, आमेन, क्योंकि वचन ही आपके जीवन में बदलाव लाएगा। ध्यान से सुने, ओके, थैंक यू। शाकारा बाल्टिया, तो क्या हुआ? हालेलुया, तो जो जीव, जानवर, मनुष्य और स्वर्गदूत क्या करते हैं? खाना खाते हैं, सब लोग खाना खाते हैं। जो जीव खाना खाता है उसके अंदर लस्ट रहता है। क्या लस्ट रहता है? लस्ट मतलब व्यसन, व्यसन मतलब शारीरिक संबंध के लिए व्यसन। हालेलुया, तो स्वर्ग दूतों में व्यसन होता है, देख रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं? तो स्वर्ग दूत जो स्वर्ग में रहते हैं, वो लोग खाना, जो जीव परमेश्वर का बनाया हुआ खाना अंदर पेट में जाता है, हालेलुया, उसका मतलब उस शरीर के अंदर, उस बींग के अंदर, भले ही वो स्वर्गदूत है, उसके अंदर व्यसन है। तो जब भी उन्होंने मनुष्य के पुत्रियों को देखा, उनके अंदर व्यसन आया कि इनके साथ हम शारीरिक संबंध करें। स्वर्गदूत मनुष्य के साथ, लड़कियों के साथ, ह्यूमन बींग के साथ शारीरिक संबंध रखे, हालेलुया। और बाइबल क्या कहता है? उन्होंने शादी किया, हालेलुया, उन्होंने शादी किया और उन्होंने उनके साथ शारीरिक संबंध रख के प्राचीन काल के बड़े बड़े दानवों को उत्पन्न किया, जो शारीरिक दानव थे, जो बड़े बड़े थे। ध्यान से सुने, हालेलुया, इतना तक समझ रहा आपको? तो शारीरिक दानव बड़े बड़े, जब बच्चा उत्पन्न हुआ, बच्चा जो है मेरे जितना नहीं था, बड़े बड़े दानव लोग पैदा हुए उनके द्वारा। तो जो पतरस कह रहा है स्वर्गदूतों ने पाप किया, वो पाप ये है, हालेलुया, कि उन लोग अपने ज्यूरिस्डिक्शन के बाहर जाकर, उन लोग अपने सीमा को क्रॉस कर मनुष्य के पुत्रियों के साथ उन्होंने शारीरिक संबंध रखा। ध्यान से सुने, शारीरिक संबंध क्यों रखा? पहला तो व्यसन था और दूसरा उनका एजेंडा था, उन लोग कुछ करना चाहते थे, हालेलुया। उन लोग पृथ्वी के लोगों को, जब भी वो लोग बढ़ चुके थे, हालेलुया, ये शैतानी शक्तियां क्या करना चाहते थे? जब भी, हालेलुया, जब भी इंसान उत्पन्न होता है, हालेलुया, इंसान को किसने उत्पन्न किया? परमेश्वर ने उत्पन्न किया, परमेश्वर ने बनाया, हालेलुया, आदम को परमेश्वर ने बनाया, उससे, उसके द्वारा हम सब आए हैं, है ना, हालेलुया। तो परमेश्वर ने फूंका, परंतु जब भी एक गिरा हुआ स्वर्गदूत एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध करता है, एक वो बच्चा तो पैदा होता है, पर वो बच्चा डेमोनिक स्पिरिट्स के साथ पैदा होता है। किसके साथ? डेमोनिक स्पिरिट्स, डेमोनिक स्पिरिट, डीमंस, शैतानी शक्तियां, हालेलुया। तो गिरे हुए स्वर्गदूत एक है और शैतानी शक्तियां एक है, डीमंस, हालेलुया, दुष्ट आत्मा है, ओके, मैं आई विल यूज द वर्ड दुष्ट आत्मा है, हालेलुया। तो गिरा हुआ स्वर्गदूत जब भी एक इंसानी औरत के साथ, लड़की के साथ शारीरिक संबंध करता है, परमेश्वर का श्वास या आत्मा उसको जन्म नहीं देता है, हालेलुया, शैतानी शक्तियों के द्वारा जो जब भी वो जन्म होता है, उसके अंदर शैतानी शक्तियां भरे हुए रहते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, वो शारीरिक संबंध जैसे बढ़ाने लगे, दुष्ट आत्माओं का अकाउंट बढ़ने लगा, दुष्ट आत्माओं का, दुष्ट आत्मा इतने नहीं थे, परंतु स्वर्गदूतों ने ये जो कार्य किया, मनुष्य के पुत्रियों के साथ दानव पैदा हुए उसको बाजू में रखो, पर दानव के अंदर जो है कई सारे दुष्ट आत्मा पैदा होने लगे। और उसके बाद जब भी वो वचन हम पढ़ते, उसके बाद बाइबल कहता है कि परमेश्वर मनुष्य से नाराज हुआ, हालेलुया, ये शारीरिक संबंध होने के बाद। अभी तक परमेश्वर इतना नाराज नहीं था, परंतु इसके बाद क्यों नाराज हुआ? क्योंकि बाइबल कहता है, क्योंकि मनुष्य के मन के विचार निरंतर बुरे हुए। ध्यान से सुने, क्यों, कैसे बुरे हुए? क्योंकि दुष्ट आत्मा ने मनुष्य के मनो को कैप्चर करना शुरू किया, ग्रस्त करना, दुष्ट आत्मा ग्रस्त करना शुरू किया मनुष्य के मनो को। इसके लिए मनुष्य सोचना भी चाहे, परंतु वो निरंतर बुरा सोच रहा है, क्योंकि दुष्ट आत्मा अंदर है। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? ओ गॉड, हालेलुया, आमेन। दुष्ट आत्मा बड़े, क्योंकि शारीरिक संबंध हुआ, दुष्ट आत्मा इतने बढ़ गए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि मनुष्य के मन के अंदर रहना शुरू किए, हालेलुया, ध्यान से सुने। और फिर मनुष्य के मन के विचार निरंतर बुरे हुए, परमेश्वर उनसे नाराज हुआ। परमेश्वर पहले नाराज नहीं था, यह सब होने के बाद नाराज हुआ, क्योंकि दुष्ट आत्मा का क्वांटिटी बढ़ गया, हालेलुया, हालेलुया, ओके, लेट मी होल्ड ऑन यर। आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति का किताब छठवां अध्याय, उसमें आगे जाएंगे, हालेलुया,
यहाँ पे गर्मी बढ़ रही है। ओके, पांचवा वचन, प्राचीन काल के दानव पैदा होने के बाद पांचवा वचन आता है, क्या कहता है? यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। अभी समझा कैसे बढ़ी है? क्योंकि दुष्ट आत्माएं बढ़ चुके थे, ग्रस्त कर रहे थे, और उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई होता है। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्माएं मनुष्य के मन को, जब भी दुष्ट आत्मा आता है पहले वो आपके मन को ग्रस्त करता है, मन के द्वारा शरीर में घुसता है, शरीर में दर्द पैदा करता है, वगैरह वगैरह सब पैदा कर रहा है। सुन रहे सिस्टर, समझ रहे हो? ओके, हालेलुया। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। हालेलुया। आठवा खेदित हुआ, सातवा वचन सॉरी, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, और मनुष्य क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा ने अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। फिर नवा वचन कहता है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। यहाँ पर रुक जाए। हालेलुया। तो नूह पे अनुग्रह हुई, उसके बाद भले ही नूह अंतिम समय के राइचियसनेस के प्रीचर को दर्शाता है, पर नूह के राइचियसनेस को हमको फॉलो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि नूह का धार्मिकता उसके संसार के हिसाब से वो धर्मी था। हालेलुया। ध्यान से सुने, हम लोग सब एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ब्रदर, हम लोग सब एग्जाम दे रहे हैं, 100 मार्क का एग्जाम है। हालेलुया। ब्रदर को आया 100 में से 12, मुझे आया 100 में से 10 मार्क, शरण को आया 100 में से 15 मार्क, सो सबको 10, 12, 8, 9, सिर्फ साहिल को आया 100 में से 35, कितना आया? 35, और साहिल पास हो गया। तो हम सारे मंडली में स्कॉलर कौन है? साहिल है। कितना मार्क आया पर उसको? 35 मार्क है। सच में वो स्कॉलर है क्या? पर हमारे बीच में वो स्कॉलर है। अरे चलो, एक तो पास हुआ इतने बड़े साहिल पास होना है ना तो हमारे बीच में वो पास हो गया, हमको सब 8-9 सबको मिला, पर वो स्कॉलर बन गया। हालेलुया। तो नू वैसा था, नू वैसा था, समझ रहे आप लोग? तो नू, मैं क्या कह रहा हूं, नू जो है धार्मिकता, बेबी, ओ बेबी, मम्मी को परेशान मत करो, ध्यान से सुनो, क्या आया? सुसु आया। हाँ देखो, सुसु आया। हालेलुया। तो नू जो है, हालेलुया, वो धार्मिकता के, धर्म के प्रचार, राइचियसनेस प्रीचर ऑफ राइचियसनेस के अंतिम समय के प्रचारक को दर्शाता है। परंतु हम लोगों को नू के धार्मिकता को फॉलो नहीं करना है, उसको एग्जाम्पल नहीं बनाना है। हालेलुया। क्योंकि उसका धार्मिकता सिद्ध नहीं था, उसका धार्मिकता बाइबल क्या कहता है, उसके लोगों के, वो जेनरेशन पीढ़ी के हिसाब में वो राइचियस था। हालेलुया। पीढ़ी के हिसाब से समझ रहे आप लोग? ओके, समझने के लिए और एक वचन पढ़े, उत्पत्ति का किताब 7वां अध्याय 1वां वचन आप पढ़ सकते हैं पास्टर। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। हालेलुया। क्या लिखा है? इस समय के लोगों में से सिर्फ तुझी को, मतलब उसका राइचियसनेस जो है परमेश्वर से नहीं आ रहा, उसका धार्मिकता जो है लोगों के बीच में कंपैरिजन, तुलना करने से आ रहा है। हालेलुया। तो ध्यान से सुने, मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। नूह का धार्मिकता जो है हमें फॉलो नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर आने वाले समय में सिद्ध धार्मिकता लेके आने वाला था यीशु मसीह के द्वारा, जो हमारी धार्मिकता होंगी। हालेलुया। तो वो हमारी धार्मिकता है। हालेलुया। तो इसके लिए बाइबल वहां पर क्लियरली लिखता है कि ऐसा नहीं लिखता है नूह धार्मिकता, नूह उसके संसार के हिसाब से धार्मिकता। ओके, ये समझा सभी लोगों को? ओके, फिर हम लोग आगे जाएंगे, वही उत्पत्ति का किताब 6वां अध्याय जो हमने पढ़ा, वहां पर ऐसा लिखा है कि नूह की दृष्टि, सॉरी, परमेश्वर की दृष्टि नूह पे हुई, और नूह जो है अपने संसार में धार्मिकता। ओके, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ध्यान से सुने, ये समय जो है ये वही समय है जब भी दुष्ट आत्माओं का काउंट बढ़ रहा है। ध्यान से सुने, क्या आपको पता है, जब भी आप ये कलीसिया में बैठे हैं, हालेलुया, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखा, वहां पर एक शैतान का पुजारी था, जो शैतान की पूजा करता है, लूसीफर की पूजा करता है, आराधना करता है,
हालेलुया, वो अपनी गवाही दे रहा था और वो कहता है कि उन लोग की कलीसिया शाम को 5 बजे शुरू होती है, अगले सुबह 7 बजे तक उन लोग शैतान की कलीसिया में रहते हैं। हालेलुया। और हमारी कलीसिया 1 घंटे के बाद सो जाती है और आप समझते हैं आप शैतान के गढ़ों को नष्ट कर सकते हैं। हालेलुया। वो समय में उन लोग क्या करते हैं? वो समय में उन लोग शारीरिक संबंध करवाते हैं। मैं एक डिटेल में नहीं जाऊंगा। हालेलुया। उस दिन कुछ दिन पहले मैं सामान लेके घर पे आ रहे थे, मैं और मेरी मम्मी। हमारे बिल्डिंग के नीचे जो डोर है वहां पर 2 औरतें बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? तंत्र मंत्र के बारे में, झाड़ फूक के बारे में, जोर जोर से। मेरा सर भारी हुआ, मैं उधर गई, ये जोर जोर से। उस दिन मैं अपने बैल्कनी में गया, बैल्कनी अच्छा सोसाइटी है, टाउनशिप, स्विमिंग पूल, वैसे सोसाइटी के सामने मैं बैल्कनी से देखा, कुछ कुछ दिया लाकर गाड़ी के पीछे छुपकर 4 औरतें अच्छे कपड़ों में कुछ कर रहे थे, ऐसा कुछ कर रहे थे। हालेलुया, आमेन। मैं उस दिन क्या, इंडिया श्रीलंका का मैच चल रहा है अभी, कुछ लोग मैच देखते हैं क्या? हालेलुया। तो मैंने मैच देखा बीच में, क्योंकि इंडिया जीत रहा है बहुत अच्छे से, तो मैं बोला देख के मजा ले लूं करके थोड़ा। हालेलुया, क्योंकि इंडिया जीत रहा है। हालेलुया। तो वो हॉटस्टार पे आता है वो सब चीजें, तो हॉटस्टार में 100% जो भी बीच बीच में एडवर्टाइज आ रहा है, कोई तो पिक्चर रिलीज कर रहे हैं जिसमें कोई खून पी रहा है, कोई पिक्चर्स रिलीज कर रहे हैं जिसमें कोई कैंडल है, सब तंत्र मंत्र कर रहे हैं। हालेलुया। क्या हो गया है? लोगों का मन दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है, हम उस समय में जी रहे हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं बहुत बढ़ चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है, और मसीह लोगों के मन को ग्रस्त कर रही है। हालेलुया। अगर आप अलाउ करते उस दुष्ट आत्मा को आपके मन में, सिर्फ अविश्वासियों के लिए नहीं। हालेलुया। मैंने एक का डिलीवरेंस किया, हालेलुया, वो ठीक हुआ, कुछ दिन बाद वापस से ठीक हुआ। बाद में मैंने कुछ तो बोला, ऐसे ऐसे चीजें उसे करना बंद करो वगैरह वगैरह। हालेलुया, उसे फेंको। हालेलुया। कोई तो लोग जमा करके आया मेरे पास, वो मुझे आके कहने लगे, ब्रदर हम तो विश्वासी, हमारे अंदर कैसा है? नहीं नहीं ब्रदर, ऐसा बोलने लगे, हमारे पास यीशु का लहू है। अरे विश्वासियों के मन को ही वो ग्रस्त कर रहा है ज्यादातर। हालेलुया। तुमको नहीं मानना है, जाओ मेरे पास भी मत आओ, मेरे पास मत आओ। हालेलुया। आपको नहीं पता आप किस हिसाब से बात कर रहे हो, क्या रेवलेशन कैरी करता है कभी कभी। हालेलुया। और सामने वाले को लगता है मुझे बहुत पता है। हालेलुया। मसीह बन के 20-25 साल हो गए, अभी तक परमेश्वर का आवाज नहीं सुना आपने। हालेलुया। और आपको मेरे से बहुत पता है। हालेलुया, आमेन। जिसके पास रेवलेशन है, हालेलुया, उसको, उसके पास आप जा सकते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुने, तो विश्वासी बहुत सारे विश्वासी ऐसे है। हालेलुया। हम वो घर में गए और मैंने सब तंत्र मंत्र तोड़ना शुरू किया, उपस्थिति आना शुरू किया। बाद में होने के बाद सब लोग पूछते हैं, ब्रदर ऐसा हो सकता है क्या हमारे पे? हम तो विश्वासी है। अरे दुष्ट आत्माएं ढूंढ रहे हैं आपको। दुष्ट आत्माएं एक एक शरीर को जब छोड़ के बाहर निकलती है, जब वो सूखे जगहों पे जाती है, उसको घर नहीं मिलता है। ध्यान से सुने, दुष्ट आत्माओं को जब शरीर नहीं मिलता, मन नहीं मिलता, वो बहुत उतावले होने लगते हैं। उनको शरीर चाहिए, उनको किसी का तो दिमाग चाहिए रहने के लिए। वो जब भी घुसते हैं, वो नहीं देखते आप विश्वासी है क्या, आप 25 साल से विश्वासी है, आप कौन से कलीसिया में जाते हैं, बेथल चर्च में जाते हैं, ये चर्च में जाते हैं वगैरह वगैरह, ग्लोरीफाई जीसस में जाते हैं। वो उतावले होते हैं, वो सिर्फ जगह मिलते ही घुस जाते हैं, ऐसे दुष्ट आत्मा होते हैं। नहीं ब्रदर मैं विश्वासी हूं। अरे विश्वासी, आप परमेश्वर को जानते भी नहीं, जाओ उसके पास, पहले जानो उसको ठीक से। विश्वासी हो 25 साल से मैं आप, हालेलुया, आमेन। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हम नूह के दिनों में हैं, विश्वासियों के मनों को दुष्ट आत्मा ने ग्रस्त किया हुआ है। हालेलुया। कितने लोगों को प्रचार शुद्ध कुछ होता ही नहीं उनके जीवन में, क्यों? अंदर ग्रस्त है, अंदर दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। शरीर में दुष्ट आत्मा है, हालेलुया, और ग्रस्त किया हो गया है। हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा है जो बहुत उतावली रहती है, किसको कभी अंदर घुसे उन लोग तैयार, मतलब रेडी रहते किधर किधर अंदर घुसे। हालेलुया। ध्यान से सुने, हालेलुया, क्या अभी तक समझ रहे? तो नूह के दिनों में जैसे शैतानी शक्तियां दुष्टात्माएं बढ़ने लगी, अभी भी वैसा ही हो रहा है। अभी भी क्या हो रहा है? वैसे ही हो रहा है। हालेलुया। ध्यान से सुने, बाइबल कहता है जो स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बांधा, अभी वहां पे जाने का समय नहीं, प्रकाशित वाक्य में फॉलन एंजल्स को वो रिलीज करेगा।
कौन परमेश्वर और ये सब अलाउ करेगा होने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सब गिरे हुए स्वर्गदूत कुछ कुछ आ चुके हैं, हालेलुया, और ये अंदर ही अंदर दुष्ट आत्माओं को बढ़ा रहे हैं जो पूरे दुनिया पर फैल रहे हैं। क्या आपने कभी भी इतने झूठे न्यूज को देखा था? हालेलुया, जो 50 साल के 60 साल के आपके बचपन में न्यूज ठीक ठाक आता था, अभी देखो झूठ 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 झूठ, डर 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 डर। आप कौन सा भी मूवी देखो, वो मूवी देख के आपको डर डालेंगे अंदर। हालेलुया, वो मूवी देखने के बाद परमेश्वर को आप भूल जाओगे क्योंकि वो मूवी आपके माइंड को कैप्चर कर लेंगे। हालेलुया, क्या हो रहा है? बड़े बड़े लोगों को दुष्ट आत्माएं ग्रस्त करके चला रही है, बड़े बड़े लोगों को मीडिया में, पॉलिटिक्स में, सभी जगह पे, म्यूजिक इंडस्ट्री में। हालेलुया, कई लोगों ने अपने जीवन को शैतान को बेच दिया और डील किया है। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे? आमेन, हालेलुया। तो नूह को परमेश्वर ने चुना और उसे बचाया। हालेलुया, आमेन। तो हम लोगों को जहाज बनाना है और दुष्ट आत्माओं को अपने घर से बाहर रखना है। कोई कोई जगह नहीं देना है आपके मन में घुसने के लिए। आपके मन, आप दूसरे के बारे में नहीं कर सकते, आप आपके हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं कर सकते, अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेना है। हालेलुया, कौन को क्या करता है आपको नहीं, पर अपने आप को नूह बनाइए और जहाज को बनाते रहे। हालेलुया, क्योंकि जल प्रलय आने वाला है और वो जहाज में जो लोग हैं उनको परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया, कितने लोग आगे जाएंगे। हालेलुया, ध्यान से सुने। उत्पत्ति का किताब उसका 9वां अध्याय 22 से लेके 29 तक पढ़े। कनान के पिता हमने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बदला दिया, तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढाप दिया और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है, इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दांतों का दांत हो। हालेलुया, क्या हुआ? नूह को परमेश्वर ने बचाया, उसके परिवार को बचाया, जल प्रलय आया, नूह बच गया। हालेलुया, क्योंकि वो जहाज में था, जहाज से निकल के नूह ने वेदी बनाया, वो प्रचार हमने सुना है। हालेलुया, वेदी बना के बलिदान दिया वगैरह वगैरह, परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधा, उसके परिवार से वाचा बांधा, पृथ्वी के लोगों से वाचा बांधा। ये सब होने के बाद ये परमेश्वर का सेवक नूह, बाइबल ऐसा कहता है, वो दारू पीकर नशे में आकर खुद के ही घर में नंगा होकर सो गया। हालेलुया, प्रचारक, धार्मिकता का प्रचारक। इसके लिए मैं बोल रहा था हमें नूह का धार्मिकता फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वो अपने संसार में 35 मार्क्स लेके आके पास हुआ था। हालेलुया, आमेन। तो देखो परमेश्वर को कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कभी कभी। हालेलुया, आमेन। क्योंकि पूरे दुनिया में कोई भी उतला लिए, चलो नू 35 मार्क्स लेके आए, चलो उसको लेके करते हैं हम लोग, उसको लेके मैं करता हूँ कैसे ना कैसे। परंतु ध्यान से सुने, क्या हुआ? नू धर्म का प्रचारक। हालेलुया, क्या हुआ? दारू पीना शुरू किया। पहले तो दारू का खेत लगाया उसने, दारू अल्कोहल का खेत लगाया, उससे लिया दारू और पिया मस्त और नंगा होके सो गया। ओ गॉड, ये मत फॉलो करे। हालेलुया, कैसे हुआ वो? और फिर बाइबल कहता है, मैं आता हूँ कैसे हुआ वो, उसके पीछे का क्या प्रकाशन है। हालेलुया, और बाइबल ऐसा कहता है कि उसका बेटा कौन आया? हम आया और उसको देखा नंगा है, और जाके उसने क्या किया? दो लोगों को बोला। कौन दो लोग? उसके दूसरे दो बेटे, शेम और जाफेत को। और उन लोग आए, चलो पिता के नंगेपन को नहीं देखे, ढक के बाहर निकाला। हालेलुया, बाहर निकाला, जब भी वो होश में आया, जब भी उसे पता चला, वो गुस्सा हो गया हाम पे। हालेलुया, और हाम को उसने श्राप दिया, उसके पोते को, कनान को उसने श्राप दिया। हालेलुया, ध्यान से सुने, क्या आप अपने बेटे बेटियों को गुस्से में आके श्राप दे सकते हैं? क्या ये ठीक है? नहीं है। हालेलुया, हमने गलती की थी। हालेलुया, छोटी सी गलती पर नू के मन को दुष्ट आत्मा ने ग्रस्त कर लिया था। क्या हुआ? ध्यान से सुने। ओ लॉर्ड, शकाटा बारियाल तराबा, सुनिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अभी जबी सकल टियाल तराबा, जबी जो लोग हैं,
हालेलुया। जल प्रलय में इंसान मर गए, सब जानवर मर गए, सब समझ रहे आप लोग, जब बड़े बड़े दानव थे उन लोग भी मर गए, सब लोग मर गए, शरीर मर गया, जो लोग पाप कर रहे थे वो लोग मर गए। स्वर्गदूतों को कहां पर डाला गया? अंदर अंधकार में, हेल में, नर्क में डाला गया। तो उन लोग भी नहीं है अभी, कोई नहीं है, इंसान भी नहीं है जो पाप करते थे, पर उनके अंदर आत्माओं का क्या? जब ये शरीर मर गया, ये दुष्ट आत्माएं पृथ्वी के वातावरण में उतावले होके घूमने लगे। हालेलुया। जब ही सारा पृथ्वी नष्ट किया, इंसान मर गए, गिरे हुए स्वर्गदूत अंधकार में, हालेलुया, इंसान मर चुके थे पर दुष्ट आत्मा नष्ट नहीं होते। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को, शैतान को वो लेक ऑफ फायर में, वहां पर ही नष्ट किया जाएगा, उससे पहले उन लोग को खत्म नहीं कर सकते। हालेलुया। तो जब ही इंसान मरा, उनके अंदर की आत्माएं जो है बाहर निकल गई, शरीर खत्म हो गया, सड़ के मर गया। हालेलुया। तो अंदर की आत्माएं बाहर निकल गई और पृथ्वी के सारे वातावरण में वो आत्माएं उतावले होके ढूंढने लगे, अरे अभी कोई शरीर नहीं मिल रहा, शरीर नहीं मिल रहा, शरीर नहीं मिल रहा, शरीर नहीं मिल रहा, घर नहीं मिल रहा। हालेलुया। समझ रहे सिस्टर्स ने? हालेलुया। शरीर नहीं मिल रहा। हालेलुया। इसलिए नूह जैसे जहाज से बाहर आया, वाचा वगैरह हुआ, मस्त हुआ, हालेलुया, उन्होंने हालेलुया नूह के मन को ग्रस्त किया, उतावले दुष्ट आत्माएं, क्योंकि नूह वो व्यक्ति है जिसके साथ वाचा बांधा हुआ था, और अगर वो श्राप देगा, हालेलुया, उसके श्राप के द्वारा, हालेलुया, उसने किसको श्राप दिया? अपने एक बेटे को श्राप दिया। तो हाम और कनान के ब्लड लाइन के द्वारा, हालेलुया, वो ब्लड लाइन में वो घुस गया। क्या आपको पता है हाम के द्वारा ही निम्रोड पैदा हुआ, जो परमेश्वर के खिलाफ कार्य करता था? हाम के ब्लड लाइन से ही लोग जमा हुए और बबेल का बुर्ज को बनाया। हालेलुया। जो परमेश्वर के पास मतलब परमेश्वर तक पहुंचना चाहते थे। हालेलुया। तो क्या हुआ? मरने के ये सब खत्म करने के बाद भी ये शैतानी शक्तियां नूह को ग्रस्त किया और उसके श्राप के द्वारा वापस हाम में घुसे, कनान में घुसे श्राप के द्वारा, और कनान ही परमेश्वर का दुश्मन था हमेशा के लिए। देखिए, क्योंकि वो ब्लड लाइन में शैतान का वास था। ओ लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं हम लोग कितने गहराई में जा रहे हैं? उस ब्लड लाइन में शैतान का वास था, कनान के ब्लड लाइन में। हालेलुया। इसलिए हमेशा के लिए इज़राइल कनान से लड़ता था, कनान को बाहर निकालो, कनान को ये करो, कनान को नष्ट करो, क्योंकि वहां पर शैतान का वास था। और कहां से आया? परमेश्वर के सेवक से ही आया, वो नूह के श्राप से ही आया वो अंदर। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। इसलिए जब भी आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हो, अपने शब्दों के बारे में ख्याल रखो, आप क्या बोलते हो, अपने बेटे बेटियों के बारे में क्या बोलते हो आप, और हर एक चीज अपना केयरफुल रहो, श्राप मत देना। हालेलुया। वहां से शैतान उतरेगा ब्लड लाइन में। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? ओ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। पूरा पृथ्वी बचाए जाने के बाद भी, हालेलुया, क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं छोड़ते नहीं है। हालेलुया। ध्यान से सुने, देखिए आपको परमेश्वर पे कितना निर्भर रहना पड़ता है। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप चुने गए हैं, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको बुला रहा है अंतिम समय के कलीसिया को बनाने के लिए, अंतिम समय के जहाज को बनाने के लिए।